Hey guys, welcome back to my new vlog. I hope you guys are very well. So अभी हम लोग आज से start करने जा रहे हैं gaining की series, जो कि आज भाई अपना करेगा chest की workout. So आज अभी पहले तो warm up होगा, उसके बाद फिर bench press पे चलेंगे. So अगर आप लोग channel पे नए हैं तो subscribe करो, because अभी आज chest की workout है. Then हर week एक एक muscle की वर्कआउट की वीडियो आएगी, जैसे आज कल आएगी, परसों आएगी, या जब भी है. तो इस वीक में आएगी चेस्ट की मसल, नेक्स्ट वीक में आएगी आपकी बैक की मसल, कि जो हम लोग गेनिंग की वर्कआउट करते हैं गेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए. बहुत लोग मतलब जिनको नहीं पता है कि कौन सी वर्कआउट करें, सो इस वजह से, इस पर्पज़ से हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना. तो अभी वार्म अप करेंगे हम लोग 5 मिनट, चलो. बिकॉज़ क्या है, सबसे पहले वार्म अप ज़रूरी है, और सेफ रहने के लिए पहले पैर इधर साइड में रख लिया करो. हाँ, ऐसे रख लिया करो, ठीक है. अब पैर, चलो. अब इस पे हम लोग कम से कम 5 मिनट तक चलेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, जो कि चेस्ट की मसल को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, और देन फिर हम लोग इंक्लाइन बेंच प्रेस पे चलेंगे, जो कि हमारा पहली एक्सरसाइज होगी. सो आप लोग देखते रहिए, मिलते हैं आगे. तो ये वार्म अप के बाद पहला सेट है इंक्लाइन. तो लोग ऐसा सोचते हैं कि 3 मसल हैं, बट ये मसल एक है. हम 3 तरह से इसको ट्रेन करते हैं, बिकॉज क्या है, ये बड़ी मसल है, इसको पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं जिसको. और इसको हम हमारे जो मसल के टीशूज़ हैं, जो फाइबर्स हैं, उनको ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए हम 3 तरह से. तो जैसे इनका अपर चेस्ट कमज़ोर मुझे लगता है, तो मैं इनको पहले फ्लैट की जगह पहले इंक्लाइन करवाता हूँ. सो पहले इंक्लाइन ट्रेन करेंगे. अभी पहला सेट है तो 15 का जाएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे वेट इंक्रीज करेंगे और रेप्स डाउन करते जाएंगे. चलो. और ग्रिप हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी. सो और ग्रिप बहुत लोग आपने देखा होगा कि लाइक ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसे मत पकड़े आप ग्रिप के, हमेशा ये बिल्कुल टाइट से पकड़े, और कलाई को हमेशा बिल्कुल ऐसे सीधा रखें, जिससे कि आपको फोकस आपके जो चेस्ट पे है, माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा जिससे कि. सो इंक्लाइन चेस्ट के लिए ये पहला सेट, अभी आपने जैसे देखा वार्म अप, और ये इसके 4 सेट परफॉर्म करेंगे ये. सो इसको बेसिकली आप ऊपर की तरफ ही रखें, और ऐसा नहीं कि इसको नीचे की तरफ धकेलें, ऊपर की तरफ धकेलेंगे, और आप मसल को माइंड से कनेक्ट करिए, कि आपकी मसल नीचे की तरफ जब भी जाए तो स्ट्रेच होनी चाहिए, और जब ऊपर की तरफ जाए तो आप ऊपर जाके स्क्वीज करिए. लाइक जब भी ऊपर जाए तो आपको फील होना चाहिए कि मसल जो है माइंड से कनेक्ट हो रही है. चेस्ट के लिए एक एक्सरसाइज हो गई इंक्लाइन बेंच प्रेस, और जैसा कि मैंने बताया था अपर चेस्ट वीक रहेगा, तो उसके लिए हम एक और चेस्ट अपर चेस्ट के लिए परफॉर्म करेंगे, जो कि डंबल से 3 सेट लगाएंगे सिर्फ. चलो. सेफ्टी के लिए हमेशा डंबल अपने थाइस पे रख के ही उठाएं, और सेम चीज़ है, आपको स्क्वीज करना है ऊपर ले जाके. चलो. और डंबल को ऊपर जाके टच नहीं करना है, थोड़ा सा गैप रखना है. चलो, वेरी गुड. इसके 3 सेट परफॉर्म करेंगे, जिससे कि, और सबसे पहले आप लोग को ये लगेगा कि मैंने सबसे पहले फ्लैट और फ्लैट डंबल की वजह से उनकी जगह पे मैंने इंक्लाइन क्यों कराया, कि तो जैसे मैंने पहले भी बताया,
आप शुरू में जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एंड्योरेंस स्टेमिना बहुत ज़्यादा रहता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, सो इस वजह से आपसे वेट अच्छा उठ जाता है। सो जो आपकी मसल कमज़ोर है और आप अच्छे से उस पर स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से परफॉर्म होगा। अदरवाइज़ अगर आप जब लास्ट में वो सेट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे कम उठेगा और जब तक आपकी एनर्जी भी धीमे धीमे लो होती जाती है। सो इस वजह से चलो वेरी गुड। तो अभी की दो एक्सरसाइज हो चुकी हैं और बीच बीच में आपको ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए अपनी मसल में आपको जो है पोजिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना भी आप पोजिंग करते रहेंगे उतना आपको फ्लो आपका अच्छा रहेगा मसल में। सो इनको जो है पोजिंग कराना हो, चलो पोज करो, साइड चेस्ट, वेरी गुड, चलो 5 4 3 2 1, चलो शाबाश शाबाश, वन मोर, मोस्ट मस्कुलर, चलो शाबाश, 5 4 3 2 1, वेरी गुड। तो आपको भी जब भी चेस्ट की वर्कआउट या कोई भी वर्कआउट करनी है तो बीच में आपको पोजिंग करते रहना है, जिससे कि ब्लड फ्लो आपकी मसल का बढ़ेगा और अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे से आपकी मसल ग्रो हो पाएगी। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है जो कि आप देख सकते हैं फ्लैट बेंच है इस बार, और हमने अपर चेस्ट के लिए कर लिया है अच्छे से वर्कआउट, जो कि इंक्लाइन चेस्ट प्रेस था और इंक्लाइन डंबल के साथ था, डंबल प्रेस। सो अभी हम फ्लैट करेंगे, जिसमें आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। लाइक आपने बहुत देखा होगा कि बिल्कुल एक्सटेंड कर देते हैं, वो होता है, बट वो होता है जैसे किसी का बेंच प्रेस, जो वेट लिफ्टर होते हैं एक्चुअली वो उनके लिए होता है। चलो परफॉर्म करो, इसके भी हम 4 सेट लगाएंगे, तो इसके भी 4 सेट परफॉर्म करेंगे एंड देन फिर डिक्लाइन करेंगे। आज हम 5 से 6 एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट की। तो अभी हम लोग डिक्लाइन करेंगे, डिक्लाइन के 4 सेट करेंगे और उसके बाद केबल क्रॉस करेंगे। बहुत आप देखा होगा कि रोल करके लाते हैं, बट वैसे नहीं लाना है आपको, सीधे आपके जो चेस्ट का नीचे का लोअर भाग होता है उसके ही बस लास्ट पे लाना है और वहीं से अप कर देना है। चलो रेपिटेशन आपकी वही 15 12 10 8 तक ऐसे ही आनी चाहिए, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इनकी डाइट पर ही बता दूंगा, बिकॉज़ इनकी जो अभी मैंने डाइट रखी है वो इनके जो मेंटेनिंग कैलोरीज होती हैं उससे 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा रखी है, 400 से 500 तक एक्स्ट्रा एक इनको जो है मैंने रखा है, जो कि लीन गेनिंग के लिए बेस्ट है। तो अभी तो इनकी लीन गेनिंग है और प्रोटीन की मात्रा भी हाई है, सो इस वजह से मसल गेनिंग में बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। सो अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं इनकी डाइट के बारे में भी आपको बताऊंगा क्या है, कैसे, कितनी प्रोटीन है, कितना इनकी कैलोरीज सरप्लस रखी है मैंने और क्या क्या डाइट में ऐड करवाता हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो बना के फुल दिखा दूंगा, बिकॉज़ अभी तो सीरीज ये पहला ही एपिसोड है। तो अभी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं केबल क्रॉस, और ध्यान रखें कि इसको बहुत ऊपर ना लगाएं, बिकॉज़ क्या है जितना आप ऊपर लगाएंगे आपके शोल्डर पे उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। सो बेसिकली आप अपनी हाइट के हिसाब से उतने पे सेट करें। सो अभी हम यहाँ पे सेट करते हैं जिससे कि बिल्कुल हमारे चेस्ट पे अच्छे से फोकस हो
और अच्छे से हम परफॉर्म करें। वेट अभी दो प्लेट्स लगाई हैं क्योंकि हमें कम से स्टार्ट करना है। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट उठा सकते हैं, बट आपकी फॉर्म सही रहनी चाहिए और आपकी जो रैप्स हैं वो भी सही जाने चाहिए। चल अभी हम ये करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे। चल खोल ले जाओ, जिससे कि तो अभी फिनिशर सेट है ये, जो कि लास्ट में हैक्स प्रेस करेंगे और डंबल से करेंगे, बहुत मतलब हल्के डंबल से करेंगे। बस हमें अपर चेस्ट स्क्वीज करना है और ये फिनिशर सेट रहेगा। तो अभी हम परफॉर्म करेंगे इसको। चलो हल्के से इसको, कमर आपको थोड़ा सा लिफ्ट कर लेनी है। हाँ चलो, ये डंबल का जो इस तरफ का सरफेस है ये आपको टच करना है और आप वेरी गुड कोशिश करें कि आप हाँ इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, जिससे कि आपको फील होगा अपर चेस्ट में। थोड़ा सा और इसे ऊपर की तरफ ले जाए, हाँ वेरी गुड। ये तो ये फिनिशर सेट है और इसके बाद आप ऐड भी कर सकते हैं, लाइक इंक्लाइन आप होकर पुशअप्स भी कर सकते हैं, बट यही फिनिशर सेट हो जाएगा इनका। इसके बाद वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आप लोग को वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिसको भी मतलब वीडियो के बारे में ना पता हो, चैनल के बारे में ना पता हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक, ये तो इस वीक आ जाएगी वीडियो, और नेक्स्ट वीक आपकी बैक की वर्कआउट की देखने की मिलेगी। और इसके बाद लेग्स हैं, बाइसेप ट्राइसेप हैं, शोल्डर है, सब पे वर्कआउट बनेगा। तो कमेंट भी करें कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करिएगा, जिससे कि हम और अच्छे से वीडियो शूट कर पाएँ आगे। और आज के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।